जम्मू की दो सीटों पर बीजेपी, अनंतनाग श्रीनगर में एनसी, बारामूला में इंजीनियर राशिद आगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर आज जनता के बहुमत का फैसला आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। क्या जम्मू में दो सीटों पर फिर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी या कांग्रेस इस बार बदलेगी खेल? कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी फिर विजयी या पीडीपी? नई पार्टियों को मिलेगा जनता का साथ? आज स्थिति हो जाएगी साफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रोहल्ला मेहदी 98,510 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो 54,884 से आगे चल रहे हैं। वहीं पीडीपी के वाहिद पर्रा को 43,626 मत मिले हैं, अशरफ मीर को 21,538 मिले हैं। जम्मू की दो सीटों पर भाजपा श्रीनगर और अनंतनाग सीट पर एनसी, बारामूला में इंजीनियर राशिद आगे। जम्मू कश्मीर की दो सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं अनंतनाग और श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। वहीं बारामूला सीट पर आजाद उम्मीदवार इंजीनियर राशिद आगे चल रहे हैं। जम्मू की सीट पर जुगल किशोर शर्मा 53,000 वोटों से आगे। जम्मू की लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा 53,828 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 2,77,914 वोट मिल चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस के रमन भल्ला दूसरे स्थान पर हैं। अब तक 2,24,086 वोट मिल चुके हैं। उधमपुर सीट पर भाजपा कांग्रेस पर कांटे की टक्कर, जितेंद्र सिंह आगे चल रहे। उधमपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह 16,596 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 1,02,048 वोट मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं। उन्हें 85,452 वोट मिल चुके हैं। महबूबा मुफ्ती 80,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रही हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ 84,995 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 1,47,517 वोट मिल चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती दूसरे स्थान पर हैं, वो अब तक 58,461 वोट मिले हैं। अपनी पार्टी के जफर इकबाल को 25,184 वोट मिले हैं। इस सीट पर भाजपा ने अपनी पार्टी को समर्थन दिया है। उधर बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं।